एवरीवन, दिस इज योर ट्रेनर नाली खान। अच्छा, आज की क्लास भी हम वर्डप्रेस पे रखेंगे और आधी क्लास एसईओ वालों की जरूरी होगी। ठीक है, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास में होगा क्या कि शुरू के 15 मिनट्स हम से वर्डप्रेस सीखेंगे और जो बाकी के 15 मिनट्स हैं उसमें हम थोड़ा सा वो चीज़ सीखेंगे जो वर्डप्रेस वाले एसईओ वाले के लिए भी कंसर्न का गेम होता है। वो क्या है वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, कि वो चीज़ क्या है, वो क्या होती है, कौन सी चीज़ है जो एसईओ वाला भी समझता है और वर्डप्रेस वाला भी समझता है, ये कौन सी चीज़ है, ये हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन शुरू की 15 मिनट हम एक्स्ट्रा थीम और क्लास कस्टमाइजेशन मेन्यू की हम समझ लेते हैं। ठीक है, आज एक्स्ट्रा की लास्ट क्लास के बाद हम एक्स्ट्रा को छोड़ देंगे। ठीक है, आज मैं डिलीट भी कर दूंगा, आपके सामने एक्स्ट्रा को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब आज आपको आ क्या गया है? अब अभी पहले एक क्लास को करते हैं, फिर देखते हैं कि आपको कितना कुछ आ गया है, फिर हम देखते हैं आगे चीजों को। अच्छा, ये हमारी क्लास, हम जरा अपनी साइड पे जाते हैं और हम अपनी साइड पे जाके WPD एडमिन, जो आप सबको पता होगा क्या होता है, वहां जाते हैं और हम जरा इधर आते हैं। एक्स्ट्रा थीम लाइव प्रीव्यू, यहाँ पे एक चीज बस सिखानी रह गई थी मुझे, जो मैं समझता हूँ कि सिखानी पड़ेगी मुझे, बस ये आखिरी चीज है, उसके बाद बाकी चीज आप खुद देख लीजिएगा। इस थीम की मैंने आपको इस थीम में क्या सिखाया, 2 पेजेस कस्टमाइज करना सिखाए हैं, एक एक होम पेज सिखाया है मैंने आपको एडिट कस्टमाइज करना, तकरीबन 3 पेज, और बाकी विजेट्स लगाने सिखाया मैंने आपको। अब हम बात करते हैं इस थीम के लाइव प्रीव्यू को देखते हैं और आज हम आ चाहिए रहा। अब हम क्या बनाना सीखेंगे, हम ये बनाना सीखेंगे मेन्यूज, होम, डिसेंट, फ्यूचर, मॉड्यूल्स, ये देखें किस तरह बना हुआ है, ये गौर से देखें तो ये किस तरह बनेगा ये देखेंगे हम। ठीक है, और ये किस तरह बनेगा ये देखेंगे, और ये तो वही चीज़ है, बस नाम चेंज किया हुआ तो, और बाकी ये चीज़ किस तरह बनेगी, ये किस तरह बनेगी, ये आप देखें मैन्यूअल में 2-3 फिल्में हैं इसके अंदर, ये देखेंगे हम लोग किस तरह बनेंगे। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि ये किस तरह बनेगा, ये भी एक मेन्यू जैसा ही है, आज हम मेन्यू उस पर थोड़ी बात कर लेंगे, और उसके बाद लास्ट के 15 मिनट हम एसईओ की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये तो हो गया था लास्ट में, ये देखें कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, साइट मैप, ये जो लिखा हुआ है, टाइमलाइन, लॉगिन, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं अपने साइट के बैक एंड पे, ये रहा हमारे साइट का बैक एंड। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपेयरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पे हम मेन्यूज पे जाएंगे। ठीक है, ये मेरा पहला मेन्यू था। ठीक है, मैं इसको सब करके डिलीट कर दूंगा ताकि आप लोगों को सही समझ आए, ये मैं सारे डिलीट करने लगूंगा। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, बहुत सारी चीजें बनी हुई है तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास ये मेन्यू नहीं बना होगा। ये हो गया, अब हमारा, वालेकुम अस्सलाम, जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेन्यूज की। ठीक है, मेन्यूज हमने बात की, अभी हम पहला मेन्यू बनाएंगे मेन्यू, अपन 2-3 बनाए होंगे तो इस तरह आप सेलेक्ट कर सकेंगे मेन्यू। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट मेन्यू चाहिए इस पे लिखें और जो सेलेक्ट पे दबा दें तो ये आपको सेलेक्ट पे ले जाएगा। ठीक है, उस मेन्यू पे ले जाएगा। अगर आप इन तीनों में से कोई और मेन्यू के अलावा अलग मेन्यू बनाना चाहते हैं तो ये लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू मेन्यू, यहाँ पे आप इस पर क्लिक मारेंगे तो मेन्यू बन जाएगा। ठीक है, अभी हम अपना पहला मेन्यू बनाते हैं। अभी ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ऐसी मेन्यू रखना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इस तरह मैं यही चीज़ें बनाने बैठ गया। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट चीज़ें बनाते हैं, मान लें हम, ये हमारा होम पेज है, ये हम बनाया, ये डाला, ये डाला, ये डाला और ऐड टू मेन्यू कर दिया। आप चलें एक कैटेगरी भी डाल देते हैं, 2 कैटेगरी डाल देते हैं, थर्ड कैटेगरी और फर्स्ट कैटेगरी डाल देते हैं। इस तरह आप ये देखें प्रोजेक्ट भी डाल सकते हैं, लैंडिंग पेज भी डाल सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें मेन्यू भी डाल सकते हैं। डल तो गया, अब सवाल ये उठता है कि ये इस तरह का और इस तरह का ये कैसे बनेगा। ये सिर्फ कैटेगरीज का बनेगा, याद रखिएगा, ये थर्ड कैटेगरी इसको सेलेक्ट करें,
नौ मेगा मेन्यू पर गए और ये 3 फीचर पर क्लिक मार दें। फिर आप थोड़ा नीचे आए, फर्स्ट कैटेगरी पे आए और इसको मेगा मेन्यू टू और फीचर इन डिटेल शो कर दें। ठीक है, ये हो गया। ये करने के बाद सेव मेन्यू पर क्लिक मारें, आपका वो मेन्यू बन जाएगा। ठीक है, मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा लेकिन तरीका यही है। बाकी इसकी कस्टमाइजेशन पढ़नी पड़ेगी तो समझ में आ जाएगा, कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। तकरीबन मेरा ख्याल है अगर वो बना, हाँ ये देखें थर्ड तकरीबन वही बना है। देखें रिसेंट पोस्ट आ रही है, ये थोड़ा काला आ रहा है, देखा पोस्ट नहीं है मेरे पास, वो ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बना लिया, अब सवाल ये उठता है ये किस तरह बनेगा, सॉरी ये चीज किस तरह बनेगी, ये जो इतना बड़ा मेन्यू बनाया हुआ है उसमें, तो ये किस तरह बनेगा। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। ये इस तरह बनेगा कि आप पहले लेट से आप एक आप किसी को भी कर सकते हैं, मैं कस्टम लिंक बना रहा हूँ, आप किसी पे भी पोस्ट पे भी कर सकते हैं, पेज पे भी कर सकते हैं, सही है, आप सब पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे पोस्ट पे पहले। चलिए हम कस्टम लिंक ही बनाते हैं। ठीक है, कस्टम लिंक बनाते हैं होम पेज। ठीक है, सॉरी ये तो यूआरएल है, इसकी जगह हम ऐड डालते हैं, इसकी जगह हम होम लिखते हैं और ये ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। होम पेज आ गया, अब हम लिखते हैं अबाउट अस और लिंक में वही ऐड डाल देते हैं। अब हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस, किसी स्टूडेंट का मेरा ख्याल माइक खुला रह गया, मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टेक्टर्स पे, हम जाते हैं, ये भी हम बना लेते हैं कॉन्टेक्टर्स और ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्टर्स अबाउट अस और एक और हम लिखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। ये हम बना देते हैं, अभी 4 पेज हो गए। अब लेट से हमें करना ये है कि हमने जैसे अगर आप गौर से देखें इसको पेजेस सॉरी मॉड्यूल्स को इसने बनाया हुआ है अपना वो, हम लेट से हम मॉड्यूल की जगह हम होम पेज से बनाना चाहते हैं, ये हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे जाएंगे कि जो होम पेज है ये होम पेज बना हुआ है ना, चाहे हम मान लें इसको मॉड्यूल जैसा बनाना है, हम क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे, मेगा मेन्यू लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और डन हो जाएगा हमारा काम, बस ये हो गया। अब क्या करना है हमें, इसको थोड़ा आगे कर देना है, इसको थोड़ा आगे कर देना है, इसको भी थोड़ा आगे कर देना है। अब ये 3 सेक्शन बन जाएंगे, चलिए अभी हम देखते हैं क्या बन रहा है। होम, ये जो होम पेज के नीचे 3 सेक्शन बन जाएंगे इस तरह के, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। होम पेज के नीचे देखें 3 सेक्शन बन गए। अब इस सेक्शन के नीचे जैसे उसमें था सेक्शन 4 थे, 4 के नीचे 4 85 चीजें आ रही थी, इसको भी हम देख लेते हैं कैसे बनना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे हम कस्टम लिंक ही बनाते हैं, और ये कस्टम लिंक। ठीक है, यू आर में हैश रख दिया हमने, लिख दिया 1 to 1। ठीक है, फिर हमने लिखा फिर हैशटैग 1 to 2, फिर हमने हैश का यूज किया 1 to 3। मैं बस 1 to 6 तक जाऊंगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बनाना कैसा है। 1 to 4, फिर हम हैश टैग लगाएंगे 1 to 5, ये हम करेंगे, फिर हम लिखेंगे 1 to 6, ये हम करेंगे। सर हैश यूज करेंगे हमेशा यूआरएल, नहीं अगर आपका कोई यूआरएल है जिस पे आप लैंड कराना चाहते हैं तो आप वो यूआरएल डालेंगे, मैं कोई यूआरएल डाल नहीं रहा तो इस पे ऐसे मैं हैश का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर एक पेज पे लैंड कराना चाहते हैं उस बंदे को तो आप वो यूआरएल डालेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो ये समझ लें, हैश मैंने ऐसे ही डाल दिया है कि ताकि खत्म हो सके जल्दी, वरना फिर लिंक ही डालता रहता मैं। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं, मुझे चाहिए 1 to 1 अबाउट अस के अंदर, तो मैं क्या करूंगा 1 to 1 अबाउट अस से खींच दूंगा, मुझे 1 to 2 भी इसके साथ ही चाहिए, मैं ये रख दूंगा। 1 to 3 में जाओ कॉन्टेक्ट अस के नीचे चाहिए,
तो मैं ये लिख दूंगा 1 to 4 भी कॉन्टेक्ट टास्क के नीचे चाहिए मुझे। ये नहीं हुआ, एक सेकेंड, अब हो गया। 1 to 5 मुझे प्राइवेसी पॉलिसी के नीचे चाहिए। एक सेकेंड जाके मेरा। अच्छा यहाँ एक स्टूडेंट है मिस्टर असद, मेरा ख्याल है वो, मुझे नहीं पता कि वो पहले थे हमारे साथ या अब हैं। कोई बता सकता है कि स्टूडेंट जो हैं असद साहब, इनका माइक ओपन होता है तो हम पूछ लेते हैं उनसे कि इन्हें हमारे कोर्स के बारे में कैसे पता लगा। ये किसी के जानने वाले होंगे मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि आपको इस कोर्स के बारे में कैसे पता लगा, क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैंने आपके इनरोलमेंट की थी या पता नहीं करवाई हो। अच्छा ये अभी नहीं जा रहा है, एक्स्ट्रा ही मस्तियां करता है आपके साथ। ठीक है, एक्स्ट्रा जो है थीम इसका मसले करता है थोड़े बहुत, ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं जा रहा। ठीक है, अभी चले हम उसको छोड़ देते हैं, चले हम कहते हैं ये नहीं जा रहा, खत्म करें इसको। एक्स्ट्रा जो है वो थोड़ा थीम मसला करता है क्योंकि हैवी थीम है। ठीक है, आगे हम जो एसयू की आधी क्लास लेंगे उसमें मैं यही बताऊंगा कि यार ये थीम मसले करता है थोड़े से, और ये थीम मसले क्यों कर रहा है उसकी वजह ये पुराना थीम है और ये हैवी थीम है और ये सबसे बेकार थीम है, यही बता दूंगा आप लोगों को अब से। लेकिन सीखने के लिए सबसे अच्छा थीम है, अगर आप सीखना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा थीम है। चले अब हम इसको ही सेलेक्ट करते हैं, डन करते हैं, इसको सेव मेन्यू करते हैं, हम देख लेते हैं हमारी साइट कैसी लग रही है। ये देखें आ गया ना, 1 2 3 के नीचे देखें आ गया नीचे। तो इस तरह आप मेगा मेन्यू बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे से। ठीक है, अब यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल, ये चीज नहीं समझ में आई किसी को कि मैंने क्या किया। अब हम आते हैं अपने सेकेंडरी, समझ आ गई है। समझ में आ गई, चले। अब हम आते हैं अपने सेकेंडरी मेन्यू पर, हम सेलेक्ट करते हैं इसको। ये मान लेंगे ये सारी चीजें लगी हुई है उसके अंदर, हमने ये डिलीट कर दिया, रिमूव सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, अब हम इधर आते हैं एक्स्ट्रा थीम के उसके ऊपर और हम देखते हैं इधर क्या चीजें हैं। सॉरी ये तो हमारा ही है, ये रहा इधर, इसने लिखा हुआ है अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, साइट मैप, ये सारी चीजें। तो इसको चेंज करते हैं, अभी हम ऐसे रखते हैं, हम यही समझेंगे कि हमने अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये सारी चीजें रखी हैं। ठीक है, हम यही समझेंगे। हम ऐड टू मेन्यू करते हैं, ये हो गया। और यहाँ जो लिखा हुआ है सेकेंडरी मेन्यू, उसको टिक मार दीजिएगा, ये टिक नहीं हुआ होगा, आप इसको टिक मार दीजिएगा। टिक मारने के बाद सेव करिएगा। अब ये देखेंगे तो ये मेन्यू बिल्कुल इधर ही प्लेस होना शुरू हो जाएगा। ये देखें आ गया ना। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया आप लोगों को ये कैसे करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप गौर से देखें तो बिल्कुल एंड में भी इसने लगाया हुआ है अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, साइट मैप, टाइम लाइन, लॉग इन। ये किस तरह करना है, यही आप जाएंगे इधर, आप क्रिएट अ न्यू मेन्यू पर करेंगे, ये तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसमें से, आप क्रिएट अ न्यू मेन्यू करेंगे। ठीक है, अब ये फुटर मेन्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ जल्दी से। अभी हम सेलेक्ट ऑल करके ऐड होम पेज पे डाल देते हैं उसको, ये डाल दिया हमने, मेन्यू में चला गया। अब आपने ये काम करना है कि ये फोटो मेन्यू सेलेक्ट नहीं होगा, इस तरह आ रहा होगा आपके पास, आपने बस इसको टिक करना है और इधर सेव मेन्यू पे क्लिक मार देना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास ये चीज़ आई भी है या नहीं। ये देखें आ गया ना, माई फोर्थ पेज, माई थर्ड पेज, माई सेकंड पेज, माई फर्स्ट पेज। अच्छा यहाँ तक हमारा एक्स्ट्रा थीम खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को एक नई स्ट्रेटजी से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नई स्ट्रेटजी क्या होगी उसमें हम आपको साइट बना के सिखाएंगे, मतलब एक ब्लॉक की साइट बना के सिखाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी टाइम के लिए अभी हम ब्रेक मारेंगे, अब हम SEO सीखेंगे। ठीक है, वर्डप्रेस हमने बहुत सीख ली, काफ़ी हद तक सीख ली है। ठीक है, वर्डप्रेस आपने क्या क्या सीख लिया है बता दूं आप लोगों को। आप लोगों ने काफी हद तक सीख लिया, कंटेंट सेटिंग समझ लिया आपने, अपेयरेंसेस समझ लिया आपने, अपेयरेंस में थीम आते हैं, मेन्यू आते हैं, विजिट्स आते हैं, ये सब आपने समझ लिया।
ठीक है, ये चीज आप अब आपको चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। हाँ एक चीज आपको नहीं आई, कोडिंग करना एक तो नहीं आई, सही है। अच्छा एक चीज बताए हैं, सबसे पहला सवाल ये है मुझे आप लोगों से कि ये कोर्स जब खत्म होगा तो आप क्या कहलाएंगे? क्या आप वेबसाइट डेवलपर कहलाएंगे, वेबसाइट डिजाइनर कहलाएंगे, आप लोग कहलाएंगे क्या, ये मुझे बताएं जरा। कौन स्टूडेंट बताना चाहे मुझे कि आप लोग कहलाएंगे क्या ये, अगर आपको वर्डप्रेस पूरा भी आ गए चले तो आप क्या कहलाएंगे? कोई स्टूडेंट जो इस पर रोशनी डाले, किसी ने चैट पे लिखा है एसईओ स्पेशलिस्ट एंड वेब डेवलपर। चलें ठीक है, एक स्टूडेंट तो कह रहे हैं एसईओ स्पेशलिस्ट और वर्डप्रेस वेब डेवलपर, ठीक है, सर और एस सी ओ स्पेशलिस्ट एंड वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर, ठीक है। अच्छा एक का स्टूडेंट का सवाल जवाब ठीक है, एक का स्टूडेंट थोड़ा सा गलत हो गया जवाब। एसईओ स्पेशलिस्ट तो आप कहलाएंगे, वो तो आपकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आप वेब डेवलपर नहीं कहलाएंगे। वेब डेवलपर कौन होता है? जो कोडिंग जानता है, ठीक है, जिसको पता होता है कि कोड्स क्या होते हैं, ठीक है, और जिसको कोडिंग आती है वो वेबसाइट डेवलपर होता है, ठीक है। तो आप लोग अभी इस लेवल के नहीं है कि आप कोडिंग सीखेंगे, तो आप लोग क्या सीखेंगे? आप लोग वेब डेवलपर नहीं कहलाएंगे, बल्कि कहलाएंगे आप लोग वेबसाइट डिजाइनर या वर्डप्रेस डिजाइनर कह लें आप इसको, ठीक है। वेब डिजाइनर कहेंगे क्या? जी वेब डिजाइनर कह लेंगे, या इसको हम कह देंगे वर्डप्रेस डिजाइनर कह लेंगे आप, ठीक है, वो आप कहलाएंगे, डेवलपर नहीं कहलाएंगे। डेवलपर जो होता है वो होता यही है, डेवलपर ये होता है कि वो कोडिंग जानता है और वो कोडिंग से पूरी साइट बनाता है, वो तो आपको नहीं सिखाया जा रहा है इस कोर्स के अंदर। तो ये चीज आप समझ लेंगे, आप डेवलपर नहीं कहलाएंगे, आप सिर्फ डिजाइनर कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आप किसी स्टूडेंट को कोई सवाल, कोई गिला हमसे कि हम डेवलपर क्यों नहीं कहला रहे जबकि हम सारा काम डेवलपर ही कर रहे हैं, तो हम डेवलपर क्यों नहीं कहला रहे, ये भी स्टूडेंट का सवाल हो सकता है। अच्छा यहाँ तक हो गया, अब हमने कितना परसेंट तक समझ लिया वर्डप्रेस और कितना परसेंट तक एसईओ समझ लिया? देखें एसईओ का मैं बता दूं आप लोगों को एक चीज कि एसईओ जो है, अगर एक गाड़ी है ना, गाड़ी आपकी साइट है, ठीक है, गाड़ी में टायर जो है ना वो कहलाता है ऑन पेज एसईओ, और जो इंजन होता है गाड़ी का वो कहलाता है ऑफ पेज एसईओ, ठीक है, ये बात आप समझ लें। और दोनों अच्छी होंगी तभी आपकी साइट रैंक करेगी, वरना नहीं करेगी। अभी हमने क्या सीखा है अभी तक? अभी तक ना हमने ऑन पेज सीखा है ना ही हमने ऑफ पेज सीखा है। हमने टेक्निकल बातें कवर की हैं एसईओ की, ठीक है, ना हमने ऑन पेज अभी कवर किया है ना ही हमने ऑफ पेज कवर किया है अभी तक। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन हम करेंगे सारी चीजें। अब होगा ये कि जो आप लोगों की वर्डप्रेस की एसईओ की क्लास होगी उसमें 17 क्लासेस मैंने प्लान की हैं आपकी, जिसके अंदर हम सिर्फ ऑफ पेज एसईओ सीखेंगे। और ऑफ पेज एसईओ भी कैसा सीखेंगे बता दूं आप लोगों को। सर ऑफ पेज बहुत पैनिक है, देखें ऑफ पेज है पैनिक, और हिशाम सवर साहब कहते हैं कि आप अपनी साइट का ऑफ पेज एसईओ हमेशा आउटसोर्स कर लें, आप खुद बैठ गए उसके ऊपर तो आप सारी जिंदगी लग जाओगे, ठीक है, आपकी साइट रैंक नहीं करेगी। तो ईशान सर साहब कहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का जो ऑफ पेज एसईओ है ना वो आप किसी आउटसोर्स किसी बंदे को दे दो, ठीक है, आउटसोर्स करो। सर मैं कर रही हूँ, बहुत टफ है। अच्छा मुझे बताएं कि आप क्या कर रही हैं, मतलब आप कहीं जॉब कर रही हैं एसईओ की, ये क्या चक्कर है, फ्रीलांस काम कर रही हैं, ये भी बताएं जरा। अगर तो आप जॉब कर रही हैं तो हाँ मुश्किल तो है, वो मुझे भी पता है कि सर इंटर्नशिप, अच्छा इंटर्नशिप की फिल्म बता दूंगा आप लोगों को। आपको सबसे पहले आप यहाँ से निकलेंगे, आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, इंटर्नशिप पे आपको कोई भी ऑन पेज एसईओ नहीं देगा, गारंटी कह रहा हूँ मैं, कोई भी ऑन पेज एसईओ नहीं देगा, आपको लगा देगा ऑफ पेज एसईओ पे, वो कहेगा भाई लिंक्स बनाओ, ठीक है, और लिंक बना के फिर आप रिपोर्ट दोगे, यही चलता रहेगा इंटर्नशिप पे, यही चलता रहेगा आपके साथ, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इंटर्नशिप को स्किप मारें और डायरेक्ट एक जॉब करें, ठीक है। अब सवाल ये उठता है सर फिर क्या किया करेंगे? देखें ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आप इंटर्नशिप को स्किप मारें
और सीधा जॉब के लिए अप्लाई करें एसईओ के। अब सवाल ये उठता है, सर जी हम तो नाक मार देंगे किसी की वेबसाइट का, हमें तो नहीं आता। भाई किसने कहा है आपको आता होगा? नहीं आता नहीं आता, करो तो, करके तो देखो, देखो क्या होता है, जॉब नहीं मिल रही। देखें इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, कोई भी स्टूडेंट ये कहे कि अदनान भाई जॉब नहीं मिल रही। देखें जहां मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में, मुझे पता है जॉब भरी पड़ी है, जबकि इस्लामाबाद है छोटा सा। हमारे कराची में हम लोग कहते थे कि जितना बड़ा गुलशन है ना उसमें दो इस्लामाबाद आ जाते हैं, हम ये कहते हैं, जो इतना छोटा सा इस्लामाबाद है। और मैंने एक जॉब छोड़ने का फैसला किया था सैटरडे को, और वेनेसडे को मुझे कॉल आ गई, और फ्राइडे को मेरा कंफर्म हो गया वहां से, इतना जल्दी, मतलब एक हफ्ता भी नहीं लगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जॉब मिल जाएंगी सर, आप एक्सपर्ट है ना। देखें एक्सपर्ट, देखें मैं एक चीज समझता हूँ, आपको कौन कह रहा है आप नील पटेल बन जाए? ये कौन कह रहा है आपको कि आप नील पटेल बने? आप नील पटेल ना बने, आप एक नॉर्मल ही काम करें, ठीक है? आप नील पटेल बनने का तो कोई नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। एक्सपर्ट देखे मैं हूं, लेकिन मसला वही होता है जब मैं नई कंपनी में जाता हूँ तो उनको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है ना। दिखाने के लिए मैं अपने क्लाइंट्स की साइड दिखाता हूँ कि भाई ये साइड रैंक कर रही है, तो आप भी अपनी साइड रैंक करके आप दिखा दें किसी बंदे को। अब सवाल ये उठता है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो आपसे पहला सवाल यही करेंगे, एक सेकंड किसी की चैट आई है जी, पोर्टफोलियो का एक्सपर्ट है जी, पोर्टफोलियो होता है जी, यही मैं बता रहा हूँ कि पोर्टफोलियो आपका चाहिए होगा, तो आप पोर्टफोलियो कहाँ से आएगा? ये भी सवाल उठता है कि सर जी हमारे पास तो कोई क्लाइंट ही नहीं है, हम कहाँ से हम वेबसाइट रैंक करेंगे, तो उसका क्या हाल है? हमारे पास नहीं है। देखें मैं यही कह रहा हूँ, आप किसी छोटी कंपनी से शुरुआत करें, ठीक है? छोटी कंपनी से शुरुआत करेंगे, पहले पहले मैं आप टिप बता दूंगा आप लोगों को। मैंने अपना शुरुआत की थी ग्लोबल लिंक से, ग्लोबल लिंक एक बहुत छोटी कंपनी थी, ऑनलाइन उनका छोटा मोटा काम था, और मैंने वहां से शुरू किया था, ठीक है? वहां से उनकी जॉब, उनकी साइट की नाक मार दी मैंने, ठीक है? इतनी खराब एसईओ की मैंने वहां देखे, लेकिन वहीं से मैंने सीखा कि यार अब करना कैसे है, सही तरीका क्या है इसका करने का। तो अब सवाल ये उठता है, हमारे पास तो पोर्टफोलियो नहीं है, हमारे पास तो वेबसाइट नहीं है, रैंक क्या करेंगे? तो उसका हल बता दूं मैं आप लोगों को, और उसका हल ये है कि आप अपनी कोई वेबसाइट बना लें ब्लॉग की, और उसको रैंक कर दें। जब आप इंटरव्यू ले जाएं, आप बोलें ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, ये रैंक के एक कीवर्ड है, देख लो भाई। जब वो देखेगा तो दूसरी बात आपसे करेगा ही नहीं, वो आपको कहेगा भाई जो सैलरी कितनी लोगे बताओ, बात ही बात छोड़ो। तो आप लोग ये कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स पे जाएंगे, देखें इंटर्नशिप टाइम जाया करेगी, सबसे पहली बात जो बातें मैं आपको बता चुका हूँ वही बातें आपको वहां पता लगेंगी, उससे ज्यादा एक चीज नहीं पता लगेगी, पहली चीज। और वो आपको उल्टे सीधे काम पे लगा देंगे, मतलब आपको बैकलिंक बनाना है, बैकलिंक बनाने में क्या आप सीखोगे मुझे बताएं? बैकलिंक बनाते बनाते आप क्या कर लोगे? एसईओ पूरी समझ तो नहीं पाओगे। मैं ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो बैकलिंक का एक्सपर्ट हो गया, लेकिन उसको एसईओ की समझ नहीं है। बैकलिंक का एक्सपर्ट हो गया वो बंदा, वो एडसी, अगर आपने नाम सुना हो एडसी का, सर वह एक चीज रिपीट करते जाए, सर वही एक चीज रिपीट करते जाए बस। हाँ यही मैं कह रहा हूँ कि एक चीज रिपीट करते जाओ, तो इससे क्या लर्निंग होगी आपकी? कोई लर्निंग नहीं होगी बैकलिंक में, यही मैं बता रहा हूँ। और मैं भी ऐसे बंदों को जानता हूँ जो बैकलिंक का किंग था, उसको कोई भी साइट दो वहां लिंक बना देता था, लेकिन जब उस एसईओ को पूछो तो उसने कोई वेबसाइट रैंक नहीं की होती, और उसे एसईओ कुछ पता नहीं होता। वो क्या मसला है कि उसने काम ही किया है इंटर्नशिप के बाद सॉफ्टवेयर हाउस में, सॉफ्टवेयर हाउस में उसने उसको बैकलिंक में लगा दिया, बैकलिंक में लगाया तो उसको बैकलिंक ही समझ में आया, और कुछ समझ ही नहीं आया। तो आप लोगों को भी ये नहीं करना, आप लोगों इंटर्नशिप स्किप कर देनी है, पहली चीज तो आपने ये करनी है। सर वेबसाइट कितने पैसों की बन जाती है प्लगइन थीम इंक्लूड कर? अब देखिए ये वाला सवाल है, मैं कहूँ आपसे कि सर जी घर कितने में बनता है ये बता दें जरा, एक एग्जैक्ट प्राइस बता दें, ठीक है? डिपेंड करते हैं आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हो, आप बड़ी वेबसाइट बना रहे हो तो महंगी बनेगी, ठीक है? अगर आप छोटी वेबसाइट बना रहे हो, अगर आप चाह रहे हो आप यूट्यूब जैसी साइट बना लो तो बहुत खर्चे वाली बात हो जाएगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल वेबसाइट बना रहे हो, हाँ, तो ऐसा हो के दिखा सके, ऐसा हो के दिखा सके, क्या मतलब है समझा नहीं ये बात, कि वेबसाइट ऐसी हो दिखा सके। अच्छा आज लंबी डिस्कशन हो गई हमारी इस बात पे, तो आप लोगों ने ये बता दो इंटर्नशिप वेबसाइट दिखा सके। अच्छा ठीक है सर, आप हमें किसी रिकमेंड करेंगे किसी को रकम? अच्छा आप लोगों के लिए एक न्यूज है, अगर आप लोग करना चाहें, मेरे पास एक जॉब है आप लोगों के लिए, कंटेंट राइटर के लिए, जो भी बंदा कंटेंट राइटर है,
अगर तो वो इस्लामाबाद में रहता है या वो रिलोकेट कर सकता है तो वो मुझसे आके कांटेक्ट कर ले, ठीक है। जो भी बंदा इस्लामाबाद में रहता हो और कंटेंट राइटर हो, उसको शौक भी हो कंटेंट राइटिंग का। मेरे पास अभी जॉब्स आई हुई है कंटेंट राइटर की। सर क्या कर रहे हैं? बट रिमोट नहीं, रिमोट की जॉब नहीं है यही। मैंने मैंने पूछा भी था उनसे कि रिमोट जॉब अवेलेबल है, तो रिमोट अवेलेबल अभी नहीं है। तो अगर रिमोट करना चाहे तो आप कहीं और, रिमोट मिल जाती है, ऐसा कोई मसला ही बात नहीं। मैं एक दो जगह रेकमेंड भी कर दूंगा आपको, ग्लोबल लिंक में जाके अगर मेरे कुछ बातचीत है वहां से तो मैं रेफरेंस लगा के हो सकता है आप लोगों को कुछ ना कुछ करा ही दूँ। लेकिन पहले आप सीखने पे जोर दें, ठीक है। बाकी सब हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, पैसा कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। पैसा कहीं नहीं जा रहा ये बात समझ लें आप लोग। अच्छा अब हम बात करते हैं, थोड़ा हमने बड़ी लंबी बात कर दी, अब हम बात करते हैं वेबसाइट के बैक एंड पे। अच्छा मैंने कुछ प्लगइन्स कराए थे, प्लगइन्स पे बात कर रहे थे सर। जी सर पर अच्छा पैसा आ नहीं रहा। देखिए पैसा आ जाएगा, आप क्यों पैसे के पीछे भागते हैं, ठीक है। पैसा आने जाने वाली चीज है। मेरे एक ट्रेनर थे समीर सलीम, वो मुझे कहते थे नान पैसा आने 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 जाने वाली चीज है, और वो बिल्कुल ठीक कहते थे, सही है। मैं समझता था ये तो पागल आदमी है, सही है, इसके पास तो बहुत पैसा है इसलिए बोल रहा है, लेकिन वाकई में पैसा आने जाने वाली चीज है। पैसे के पीछे ना भागें, अभी आप सिर्फ चीज सीखें, अगर सीख गए तो पैसा भी आपके पास आ ही जाएगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, पैसा आपके पास आ ही जाएगा। सर रिस्क खुद तलाश करते हैं, रिस्क तो खुद तलाश करना पड़ता है। देखें वो बात ठीक है सर, आप कोई वेब बना लें। मैं वेब बना लूं, मैं समझा नहीं आपकी बात। वेबसाइट बना लूं ये कह रहे हैं आप लोग मुझसे? अच्छा रिस्क देखें खुद तलाश करना पड़ता है, बात ठीक है आप लोगों की, लेकिन ये भी है कि इंशाल्लाह आ भी जाएगा अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें। मेहनत करें आप लोग, अल्लाह पे छोड़ दें बाकी सब, हम कंटेंट राइटर हैं आपके लिए। अच्छा ठीक है हम कर लेंगे, कोई नहीं कर लेते हैं। देखिए मैं कोई भी काम ना फ्री में नहीं कराना चाहता, इसलिए मैं आप लोगों को अभी काम नहीं दे रहा, वरना मेरे बहुत काम पड़े हैं जो मुझे करने हैं, जो मुझे SEO करनी है अपनी वेबसाइट की, अपनी वेबसाइट बनानी है। लेकिन मैं आप लोगों को कोई भी अनपेड टास्क नहीं देना चाहता, तो इसलिए जो है ना मैं आप लोगों को अभी, लेकिन ये है कि आप लोग एक बार सीख जाएं फिर इंशाल्लाह आपका काम चलता रहेगा। अच्छा सुजीत साहब भी कंटेंट राइटर हैं, लेकिन कंटेंट राइटर से जी आप इंडिया में है ना, तो आपके लिए हम जॉब नहीं कर सकेंगे, प्रैक्टिकल के लिए हम हायर कर लें। अच्छा ठीक है, अभी अभी हम जरा पढ़ते हैं क्योंकि आज बहुत क्लास वेस्ट हो गई हमारे पे, अभी हम जरा थोड़ा पढ़ते हैं। अब हम प्लगइन्स की बात कर लेते हैं, प्लगइन्स में हमने एक, मैं चैट और पढ़ लेता हूँ लास्ट। अच्छा ठीक है, हमने प्लगइन्स की बात की थी। प्लगइन्स में मैंने आपको अकिस्मत इंस्टॉल कराया था, अकिस्मत एंटी स्पैम ये इंस्टॉल कराया था। ये क्या करता है, ये आपके जो साइट पे होने वाले हैकिंग अटेम्प्ट को ना ये रोक देता है, ये करता है और कुछ भी नहीं करता, सिर्फ आपकी साइट पे होने वाले हैकिंग अटेम्प्ट को ये रोक देता है, इसका काम ये है। अब आपने एक स्टोरी सुनी होगी दादा समो वाली, दादा समो वो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई हमारा एक गेम है, आप इसको इंस्टॉल करें खेलें और उस पर रिव्यू दें और आपको पैसा मिल जाएगा। दादा समो साहब ने कहा कि ठीक है भेजो, उन्होंने फाइल भेजी, गेम डाउनलोड हुआ, डाउनलोड होने का स्क्रीन खुला और स्क्रीन गायब हो गया। दादा समो ने कहा उस बंदी को कि भाई ये आपने जो गेम भेजा है इसकी फाइल करप्ट है, ये चल नहीं रहा। बस ये था कि उनका पूरा चैनल हैक हो गया, उनका सब, उनका तो चैनल बंद हो गया और बहुत सारा उनका खराब काम खराब हो गया, उनके अकाउंट है वो, उन्होंने कुछ यूट्यूब पे कोई ऐसा चला दिया जिसको यूट्यूब गाइडेंस को मना करता है, तो इस वजह से उनका चैनल बंद हुआ था। ये सब आपको सूरी पता हो। तो अगर इसमें अगर वो वेबसाइट पे हैक करना चाहता है, जिस तरह वेबसाइट पे बहुत सारे हैकिंग अटैम्प हो रहे होते हैं, तो एक्सिस्मत हैकिंग एंटी स्पैम जो है वो क्या करता है, किसी भी किस्म का हैकिंग अटैम्प जो है वो आपकी साइट पर रोक लेता है, ठीक है। ये इसका काम है। ये मैंने आपको कराया था एक प्लगइन, और एक हमने क्लासिक एडिटर कराया था, इसको हम एक्टिवेट करते हैं। अब हम करते हैं एक्टिवेट और हम पढ़ते हैं इस पे। अब हम यहाँ पे जाते हैं और हम लेट से हम एड न्यू पोस्ट पे जाते हैं। तो ये आपको इस तरह नजर आता था, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अगर आप ये क्लासिक एडिटर इंस्टॉल ना करें,
या डीएक्टिवेट कर दें उसको, तब किस तरह नजर आएगा ये देखते हैं। ये ऐसा नजर आ रहा है अभी, और से देखिएगा ऐसे नजर आ रहा है अभी, कितना सिंपल सा है, देख रहे हैं आप, देखिएगा कैसा नजर आएगा ये। अभी ऐसा नजर आ रहा है, इतना खुराफात सा, ये देख रहे हैं, ये डीवी थीम की वजह से अजीब सा नजर आ रहा है, ठीक है, यू डिफॉल्ट एडिटर करें, ये इस तरह नजर आएगा आपको, ठीक है, तो इस तरह नजर आ रहा है। तो ये देखें कितना, अब आपको एक एक चीज के लिए ब्लॉग ऐड करना पड़ेगा, एक ब्लॉग ऐड करेंगे तो वो ऐड होगा, जैसे इमेज ऐड करनी है आप ये वाला इमेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे इमेज तो आपकी इमेज ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं गुटेनबर्ग एडिटर, लेकिन ये गुटेनबर्ग एडिटर नहीं है, ये है गुटेनबर्ग एडिटर की एक टाइप है, ब्लॉक एडिटर, तो ये वो ब्लॉक एडिटर है, ठीक है, इसको आप खुद सीख लीजिएगा, ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, जैसे इसको आपने रिमूव कर दिया इमेज, ठीक है, ये रिमूव कर दिया आपने, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक एक ब्लॉक को जाके आप स्टडी करेंगे और प्लस दबा के, और इसमें ज्यादा चीजें याद रखिए, क्लासिक एडिटर में ना बहुत सारी चीजें नहीं थी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आप सारे ब्राउज करेंगे देखें कितना सारी चीजें नजर आ रही हैं आपको, कैलेंडर भी है इसके अंदर, सब कुछ है इसके अंदर, गैलरी भी है, इमेजेस भी है, फाइल भी है, मीडिया भी है, सब कुछ है इसके अंदर, देखें कितनी सारी चीजें हैं, तो इसके अंदर ज्यादा चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लासिक एडिटर से कोई भी साइट नहीं बन सकती और गुटेनबर्ग एडिटर से हर साइट बन सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, हर चीज बन जाती है, सही है। आप हम पढ़ेंगे आगे पेज बिल्डर की, ठीक है, पेज बिल्डर ही सिखाना है, उसके बाद आप लोगों की क्लास खत्म हो जाएगी, तो पेज बिल्डर से बन जाता है वैसे, तो इतना हमें जरूरत नहीं पड़ती एडिटर से एडिटर की। अच्छा यहाँ तक हो गया, ये समझ में आ गया आपको क्लासिक एडिटर और ये गुटेनबर्ग या ब्लॉक एडिटर को। एक मैंने आपसे ये कराया था, एक सेकेंड, वर्ड फैन सिक्योरिटी, ये मैंने कराया था, ये आपकी साइट की सिक्योरिटी बढ़ा देता है, ठीक है। अब आपने बस एक्टिवेट कर देंगे आप उसको, एक्टिवेट करना मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये करेंगे, अकस्मत अकाउंट भी आप बना लें इसका एक, ठीक है, ये जो अकस्मत है इसका एक अकाउंट भी बना लें आप, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड वेट करिएगा सारे, मैं एक सेकेंड में आता हूँ। अच्छा तो हम इधर थे, हमने अभी तक किस्मत को पढ़ लिया हमने, और हमने ब्लॉग एडिटर पढ़ लिया, और बहुत सी चीजें पढ़ ली हमने, ठीक है, और हमने अब हम और चीजें पढ़ेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, वर्ड फैन सिक्योरिटी भी आप कर लें, ठीक है, इंस्टॉल। अच्छा कभी भी वर्ड फैन सिक्योरिटी का प्रीमियम वर्जन नहीं बाय करिएगा, इसके जो क्या कहते हैं जो फ्री वर्जन है उससे भी काफी काम चल जाता है, तो आपको पेड वर्जन बाय करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अब हम आते हैं, मैंने आपसे एक प्लगइन इंस्टॉल कराया था, उसका नाम था क्लासिक विजिट, हमने ये इंस्टॉल कराया था, इसको डीएक्ट, अभी हम देखें, एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, ये विजिट्स हैं, इसको खोलें जरा, ये हमें इस तरह नजर आ रहा है, कितना आसान था। अभी मैं आपको एक खुराफात दिखाता हूँ उसके अंदर, ये देखिएगा, इसको डीएक्टिवेट किया, इसको रिफ्रेश किया, अब देखिए किस तरह आएगा, ये देखें किस तरह आ रहा है, और ये बहुत ही खुराफात किस्म का एडिटर बनाया है उन्होंने, ठीक है,
अगर आपको ये आसान लगता है तो आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, वही चीजें आप इसमें ऐड कर सकेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो क्लासिक एडिटर लगा के, अब ये क्लासिक एडिटर बनते क्यों हैं, क्योंकि जो वर्डप्रेस के एक्सपर्ट होते हैं ना, वो चाहते हैं कोई चीज चेंज ना हो जाए, तो उनके लिए वो क्लासिक वर्जन अच्छा होता है, तो उसके लिए क्लासिक विजेट और क्लासिक एडिटर बनाया गया, ठीक है। यहां तक किसी पर कोई सवाल? अच्छा, अब एक प्लगइन है, बता दूं आप लोगों को, एक प्लगइन है रियली सिंपल एसेसर, रियली सिंपल एसएसएल क्या करता है, वो भी कब चाहिए होता है आपको बता दूं मैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी साइट पे एसएसएल लगा तो होता है, लेकिन लेकिन आप खोलते हो तो वो एसएसएल लिखा था नॉट सिक्योर साइट पे लिखा। अगर तो इस तरह का काम आ रहा है और आप फंस गए, आपको समझ नहीं आ रहा कि यार सिचुएशन में क्या किया जाए, तो आप समझ जाइएगा कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा रियली सिंपल एसएसएल। ये इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करें, ठीक है, बस ये इंस्टॉल करें, ये रहा, इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लें, आपका काम हो जाएगा। अगर तो एसएसएल सर्टिफिकेट काम कर रहा है प्रॉपरली, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां तो समझ लिया। अब बात कर लेते हैं अपड्राफ्ट प्लस की। अपड्राफ्ट प्लस बेसिकली बैकअप का प्लगइन है, और बैकअप का प्लगइन जो है वो बहुत सी कंपनी होस्टिंग कंपनी अपड्राफ्ट प्लस को इंस्टॉल नहीं करने देती, वो कहती है भाई ये वाला प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना। उसकी वजह क्या है कि अपड्राफ्ट बहुत सारे बैकअप बना लेता है, और उसकी वजह से होस्टिंग कंपनी की सारी इस डेटा यूज कर लेता है, तो बहुत सी होस्टिंग कंपनी रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप ये यूज ना करो, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेबसाइट स्पीड की। देखें, वेबसाइट स्पीड किस पर डिपेंड करती है? वेबसाइट स्पीड बहुत चीजों पर डिपेंड करती है। पहली होस्टिंग कंपनी पर डिपेंड करती है, फिर थीम्स पर डिपेंड करती है, फिर इमेज जो आपने यूज किया है उस पर डिपेंड करती है, फिर प्लगइन्स पर डिपेंड करती है, और फिर प्लगइन में कोई अपडेट आई है वो सारी उस पर डिपेंड करती है, और एक होती है जेएस और सीएस फाइल कंप्रेशन, उस पर डिपेंड करती है। अगर तो ये सब पांच चीजें आपने मास्टर कर ली, तो आपको इन चीजों से कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आगे की क्लास हम यहां तक ही रखते हैं, ठीक है। चले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हमने स्मश तम हम यूज करते हैं। स्मश एक बेसिक प्लगइन है जो वेबसाइट की जो इमेजेस है उसको ऑप्टिमाइज कर देता है। करना क्या, एक्टिवेट करना है इसको, इसकी सेटिंग में जाना है। कहाँ गया ये, स्मश की सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे लिखा होगा बल्क, बल्क कुछ समथिंग लिखा होता है, या पता नहीं कहाँ गया। अच्छा, यहाँ तो नहीं नजर आ रहा, एक सही रखा, बल्क स्मश, इसको क्लिक माने जरा, और ये लिखा है बल्क स्मश नाउ, उसको क्लिक मार देंगे तो आपकी सारी वीडियो पिक्चर जो है वो कंप्रेस हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, पिक्चर को कंप्रेस करने का आसान तरीका क्या है कि आप इधर चले जाएं, टाइनी पीएनजी, इस पे जाके आप पिक्चर को कंप्रेस करें, ठीक है, इधर कंप्रेस कर लें, फिर स्मश से भी यूज कर लें, तो दो तरह से कंप्रेस हो जाएगी, तो बहुत अच्छा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करें, एक चीज ये हो गया, और आप एक काम करें, एक प्लगइन इंस्टॉल कर लें, लेजी लोड, लेजी ए थ्री लेजी लोड, ये प्लगइन है, ये इंस्टॉल कर लें। ये प्लगइन करेगा क्या, मैं बता देता हूँ, ये सारी चीजें लोड होने देगा आपकी वेबसाइट पे, लेकिन ये वाला प्लगइन है, लेकिन पिक्चर जो है बाद में लोड होंगी, इसको कहते हैं लेजी लोड, ठीक है। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज हो जाती है। अच्छा, यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो नहीं? बस ये हमारी क्लास का आखिरी है, उसके बाद हम कल से अगले वीक से इंशाल्लाह एसयू शुरू करेंगे। अच्छा, बस मेरे ख्याल है किसी का सवाल नहीं है, तो मैं यही खत्म करता हूँ क्लास को। सर क्लियर है, चलें ठीक है, बस यही खत्म करते हैं इस क्लास को। मुझे दीजिए इसके साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज। ऑफिस